चिंतन भाई की हर्षित गुगारी को। बैक की लेग साइड की ओर घुमाने का प्रयास, यहां देखा होगा एम्पायर का डिसीजन। हमारे लेग एम्पायर राजेश भाई पुकार ने सिक्स का डिसीजन दिया, काफी अच्छा हिट था ये हर्षित गुगारी द्वारा। फिर से घुमा दिया है वहां पे, काफी करारा चक्का। जी हाँ, ग्राउंड के बाद अभी गेंद फिर रख के लिए विपुल भाई काफी दमदम रखते हैं हर्षित भाई छक्के मारने के लिए। जी हाँ, आप उनको शॉर्ट कुछ गेंद नहीं दे सकते, आपको हर्षाना भुगतना हूँ। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे हर्षित भाई का, हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी, यहाँ पे पूरा फायदा उठाते हुए फाइन लेग की तरफ उठा लिया है 6 रनों के लिए। लेग साइड घुमाने के प्रयास, काफी शानदार शॉट वहां हर्षित भाई द्वारा। जी विपुल भाई, अगर ये हर्षित भाई यहाँ पे क्रीज पे टिके रहे तो ये मैच बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे, काफी धुआंधार बल्लेबाज है। वही दिशा में खेल दिया है 6 रन के लिए, काफी सुंदर बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए हर्षित भाई। हाँ विपुल भाई, काफी अच्छे वहां पे घुटने में बैठ के, और एक सुंदर शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है 6 रन निश्चित तौर पर। हल्की सी शॉट पिच गेंद थी यहाँ पे हर्षित भाई ने घुमा दिया है 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग रीजन में। और एक वही दिशा में निकल मौजूद, ऊपर से निकली गेंद 6 रन, 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के लगा दिए यहाँ पे। यहाँ पे हर्षित भाई अपने डीजी स्कोर 24 गेंदों में 49 गोविंद खड़े वहां लॉन्ग पर, काफी सेंसिबल बैटिंग यहाँ पे, और इसी बीच हर्षित भाई के 50 रन पूरे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी हर्षित भाई द्वारा खूबसूरत आज बैटिंग। और ये घुमा दिया है निखिल भाई के ऊपर से निकलती गेंद 6 रन सीमा रेखा के पार। या हमारे डीजे वाले भैया भी मजे लेते हुए हर्षित भाई के लंबे लंबे छक्कों का। और ये घुमा दिया है बाउंड्री की तरफ जाती गेंद ऑफ साइड में 6 रन। पीछे जो दर्शक खेल रहे उनको विनंती की बॉल अंदर फेंके, काफी अच्छा शॉट यहाँ पे हर्षित भाई का, हर ग्राउंड के हर कोने में यहाँ पे शॉट लगाते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से।